हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश के एक ऐसे जिले को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जहां पर सुहागपुर की कोयला खदान एशिया की सबसे बड़ी कोल फील्ड है। एक ऐसा जिला जहां पर महाभारत ग्रंथ में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान जिले को विराट नगर के नाम से वर्णित किया गया था, उसका संबंध इसी शहर यानी कि अब तो आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं शहडोल जिले की, जिसके सम्राट राजा विराट थे। डियर व्यूअर्स, इससे पहले कि आप वीडियो में पूरी तरह से खो जाएं, एक जरूरी सूचना, मेरे चैनल टूर विद अंशिमा को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, जितना हो सके दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और नॉलेजफुल वीडियो। जिले की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 10,66,063 है। शहडोल जिला मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग में आता है। फैक्ट की बात तो ये भी है कि इसमें तीन जिले शामिल हैं जिनमें शहडोल, उमरिया और अनूपपुर आते हैं। फैक्ट की बात तो ये भी है कि शहडोल संभाग का गठन 14 जून 2008 को किया गया था। इससे पूर्व शहडोल रीवा संभाग के अंतर्गत आता था। 15 अगस्त 2003 को शहडोल जिले से अनूपपुर जिले का गठन किया गया। फैक्ट की बात तो ये भी है कि शहडोल जिले का गठन राज पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसके अलावा शहडोल जिले का कुल क्षेत्रफल 6,205 वर्ग किलोमीटर है। जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस शहर का शहडोल नाम इस क्षेत्र में पाए जाने वाले तालाब के कारण पड़ा, अर्थात शहडोल सहस्त्रप्रस डोल से बना है जिसका आशय है हजारों तालाबों से। फैक्ट की बात तो ये भी है कि शहडोल को महाभारत काल में विराट नगर के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही शहडोल जिले में अशोककालीन सारो मारो अभिलेख भी पाया गया है। जानकर हैरान हो जाएंगे कि शहडोल जिला पांडवकालीन लखबरिया गुफा अवस्थित है। इसके साथ ही शहडोल जिले में बाण गंगा में पाताल तोड़ अर्जुन कुंड भी स्थित है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि शहडोल जिला मध्य प्रदेश में पूर्वी भाग में स्थित है। एक सीमावर्ती जिला है जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है। शहडोल जिले के अंतर्गत 6 तहसीलें आती हैं जिनमें शामिल है ब्योहारी, जयसिंह नगर, सुहागपुर, गोपारू, बुढ़ार, जैतपुर आदि। इसके साथ ही शहडोल जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिसमें ब्योहारी, जयसिंह नगर और जैतपुर शामिल हैं। शहडोल जिले की सीमा मध्य प्रदेश के अन्य 4 जिलों से लगती है जिनमें शामिल है अनूपपुर, उमरिया, सतना और सीधी जिला। जानकर हैरानी होगी कि शहडोल जिला उत्तर में सतना जिले से, उत्तर पूर्व में सीधी जिले से, पश्चिम में उमरिया जिले से, दक्षिण में अनूपपुर जिले से और छत्तीसगढ़ राज्य से पूर्व में घिरा हुआ है। फैक्ट की बात तो ये भी है कि शहडोल जिला मध्य प्रदेश का एकमात्र यूरेनियम उत्पादक जिला है। इसके साथ ही शहडोल जिला कैमूर और मैकाल पर्वत के मिलन बिंदु पर स्थित है। जानकर हैरानी होगी कि शहडोल जिले के सुहागपुर में बाण गंगा मेले का आयोजन होता है। इसके साथ ही शहडोल जिले में क्षीर सागर भी स्थित है, यहाँ पर जोहिला व मुड़ना नदी का संगम भी है। इसके अलावा शहडोल जिले का सुहागपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है तथा कोयला सुहागपुर में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कोयला खदान आपको देखने को मिल जाएगी। शहडोल जिले में रिलायंस इंडस्ट्रीज को कोल बीड मीथेन के भंडार प्राप्त हुए हैं। फैक्ट की बात तो ये भी है कि शहडोल जिले में सुहागपुर में प्रसिद्ध विराटेश्वर मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण कलचुरी नरेश युवराज देव ने कराया था। फैक्ट की बात तो ये भी है कि शहडोल जिले में अमलाई में निजी क्षेत्र की ओरिएंट पेपर मिल है जो बिरला समूह द्वारा 1965 में स्थापित की गई थी। इसके अलावा शहडोल जिले में सुहागपुर में 1998 में देश की पहली किन्नर विधायक सबनम मौसी निर्वाचित हुई थी। इसके अलावा शहडोल एवं सीधी की सीमा पर सोन नदी पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। शहडोल जिले में देवलोन में सोन नदी पर बाण सागर बांध बनाया गया है। इस बांध का नाम कवि बाण भट्ट के नाम पर बाण सागर रखा गया था। इसके अलावा बाण सागर बांध की नींव 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा रखी गई थी। इसका उद्घाटन 2006 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कराया गया था। बाण सागर परियोजना 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में 2:1:1 में संयुक्त परियोजना है। फैक्ट की
बात तो ये भी है कि शहडोल में जोहिला, सोन, मुड़ना नदियां प्रवाहित होती हैं। इसके साथ ही शहडोल जिले में 2016 में शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जानकर हैरानी होगी कि शहडोल जिले में कंकाली देवी का मंदिर स्थित है। यहां कंकाली देवी की प्रतिमा 8 भुजाओं वाली है। इसके साथ ही महाभारत ग्रंथ में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान जिस विराटनगर का वर्णन किया गया है, इसका संबंध शहडोल से है, जिसके सम्राट राजा विराट थे। सो डियर व्यूअर्स, इस वीडियो के माध्यम से मैंने शहडोल जिले से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश की है। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप किस शहर या किस जिले से निवास करते हैं, और अगर आपको भी आपके शहर या जिले का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखें, दोस्तों और रिश्तेदारों में जितना हो सके शेयर करें।